परमेश्वर ने बोला शिष्यों को तुम उस पार जाओ, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं अभिषेक, क्या करने जा रहा हूं, हेलो क्या करने जा रहा हूं। यीशु मसीह ने हम सबको देखकर क्या बोला पता है, तुम लोग जाओ, आमीन, मैं अपने बाप के घर तुम्हारे लिए मध्यस्थता करने जा रहा हूं, जब समय आएगा उस पार तुमसे मिलूंगा, उस पार मिलूंगा। खुदा क्या कर रहा है अभी, खुदा क्या कर रहा है, खुदा क्या कर रहा है, किसके लिए? इससे बढ़िया तो तुम ही प्रचार कर लेते। हालेलुया, आमीन। तो अभी खुदा क्या कर रहा है, कल क्या कर रहा था, कल क्या करेगा, इस सेकंड में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, आमीन। तो तुझे अगली पार जाने से रोकने में किसमें ताकत होगा, अगर तेरे लिए दुआ ही खुदा बाप जिंदा परमेश्वर यीशु कर रहा है। तूने विश्वास कैसे कर लिया कि तेरा प्रार्थना नहीं सुना जाएगा, तूने विश्वास कैसे कर लिया तेरा परिवार नाश हो जाएगा, जब 24 घंटे कोई बैठ के ऊपर दुआ कर रहा है। वो काम करने का जिससे हम निराश हो जाए, जिससे हम होपलेस फील करें, क्या फील करें, होपलेस है ना। और जब हम होपलेस होते हैं तो हम गुस्सा होने लगते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम वो काम नहीं कर पाते जो हमें एक्चुअली करना होता है, और वो शैतान का काम है। लेकिन हम होपलेस नहीं है, क्यों? क्योंकि इस दिन के लिए हमने पहले ही क्या किया है, कई दिन से हमने क्या किया है, दुआ किया है। तो इसके लिए हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, हमें विश्वास है परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, एक अद्भुत कार्य को परमेश्वर हमारे लिए जरूर और जरूर परमेश्वर करेगा। आज का वचन बड़ा सुंदर है, आमीन, और मैं विश्वास करता हूं कि उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत भी करेगा, आमीन। लिखा इस प्रकार से, इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की, क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। स्वर्ग में क्या खुला है, कहां पे खुला है, धरती पे नहीं खुला है, कहां पे खुला है, स्वर्ग में खुला है, स्वर्ग में खुला है। पर उसके लिए उसने क्या किया, उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठा के देखी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज हम पिछले दिनों में विश्वास के विषय में सीख रहे थे, आमीन, और आज जो पांचवा पार्ट है उसका, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ विश्वास, जब हमारे विश्वास मजबूत होने लगते हैं, बच्चे जैसा विश्वास, वहां से बीच वाला विश्वास, वहां से बढ़ते बढ़ते प्रेज द लॉर्ड तूफानी विश्वास, आमीन, ऐसे विश्वास जब बढ़ता है तो परमेश्वर एक ऐसी जगह पे हमें लेके आता है जहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ दरवाजे क्या करूंगा, खोलूंगा, आमीन। आपके अंदर एक ऐसा विश्वास आता है जो क्या करता है, बंद दरवाजे को भी क्या कर देता है, आपके लिए खोल देता है। मैं कई बार ये प्रचार किया कि परमेश्वर बंद दरवाजे को क्या करता है, परमेश्वर खोलता है। आज मैं उसके विषय में नहीं बात करने जा रहा हूं, आज मैं इस विषय में बात करने जा रहा हूं कि परमेश्वर क्या करेगा। आपको पता है परमेश्वर एक नया दरवाजा आपके लिए तैयार कर देगा, आमीन। कभी कभी आपका विश्वास इतना ताकतवर होता है कि परमेश्वर आपके लिए एक नया दरवाजा क्या करेगा, परमेश्वर आपके लिए अलग से, वहां पे दरवाजा था नहीं, वहां पे दरवाजा आना नहीं चाहिए था, वहां पे दरवाजे के लिए जगह नहीं था, लेकिन परमेश्वर वहां पे क्या करेगा, एक दरवाजे। तो कभी कभी हमारा प्रार्थना इस प्रकार से होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए एक दरवाजे को क्या कर दे, मतलब वहां पे एग्जिट था ही नहीं, वहां पे दरवाजा आ ही नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अचानक वहां पे क्या लगा दिया, मतलब तू गया और तुझे पता है वहां पे कोई एग्जिट है ही नहीं, वहां पे कोई रास्ता ही नहीं है, वहां पे कभी रास्ता था ही नहीं, वहां पे कभी कोई द्वार था ही नहीं, पर क्योंकि तू वहां पे आया, इसके लिए परमेश्वर ने तेरे रास्ते में क्या लगा दिया, एक बहुत बड़े दरवाजे को उठा के परमेश्वर ने सामने लगा दिया, बोला यहां से तू जाएगा, यहां से तू पार करेगा। समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत कितने लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, बाकियों को कुछ नहीं समझ आया, कितने लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया, हालेलुया, आमीन। मेरे साथ रहिए, आज पवित्र आत्मा में आपको बता रहा हूं बहुत ताकतवर रूप से भी बात करने जा रही है, हालेलुया, बहुत ताकतवर रूप से परमेश्वर की आत्मा क्या करने जा रहा है, आमीन, बात करने जा रहा है।
हमें परमेश्वर, अब ये कहानी जब आप देखते हो, ये एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम योहन्ना है, क्या है, योहन्ना, आमीन, योहन्ना को आमीन एक राजा ने पकड़ लिया। इसके लिए पकड़ लिया क्योंकि उस जमाने में सारे मसीहों को क्या कर लिया, पकड़ लिया। आज भी कई जगह पे मसीह लोगों के साथ गलत हो रहा है, आमीन। वो गलत मसीह लोगों के साथ क्यों करते पता है, क्योंकि उन्हें पता है सही कर रहे। हालेलुया, हमें कोई डर नहीं है कि हम कम हो जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है, हम इसके लिए हम लड़ते नहीं है, इसके लिए हम तलवार नहीं उठाते, इसके लिए हम चाकू नहीं उठाते, इसके लिए हम लड़ाई नहीं करते, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है हम कम हो जाएंगे। डर सामने वाले को है, उसको विश्वास नहीं है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने खुदा पर विश्वास नहीं है, हमें है, हमें है, हमें उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम लड़ाई का तभी ताकत उठाते हैं जब हमें अपने खुदा पे ताकत नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड, ये लोग इसके लिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि खुदा में ताकत नहीं है। हालेलुया। अब पता नहीं इस वीडियो में क्या होगा करके, एक तो खिलाफ भी हो जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हो जाए उसमें क्या है, प्रेज द लॉर्ड, हो जाए, हालेलुया, आमीन, हो जाए तो क्या है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें किस बात का डर है, हमारे तो यीशु के खिलाफ भी लोग थे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उनके खिलाफ भी तो बोला गया था ज्यादा से ज्यादा ये हमें मार सकते हैं, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि बातें करके ये जीत नहीं सकते, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना में हमसे जीत नहीं सकते, अद्भुत कामों में हमसे जीत नहीं सकते, कलीसिया में हमसे जीत नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा को सिर्फ जीनी बन के यूज कर रहा है, ये उन मसीह के लिए जो असली मसीह है। हालेलुया, आमीन। आज का प्रचार उसके लिए बढ़िया है जो छुपे में बैठकर भी दुआ करता है, ये उसके लिए है जिसे खुदा के ऊपर इतना भरोसा है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा, उसके लिए है ये प्रचार। उसको नहीं समझ आएगा जो खुदा को मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, आज आए कल किसी और के नाम पे चले गए, ये उनके लिए नहीं है जो महीने में एक संडे चर्च आते हैं, ये उनके लिए है जो हर दिन खुदा के लिए समय निकालते है। वही सो लोग, कुछ लोग चर्च भी ईस्टर में आते, नहीं तो महीने में एक बार आते, नहीं तो जब रोग होगा तब आते, उसको ये प्रचार पचेगा नहीं, उसको नहीं मिलेगा इसका आशीष। अगर आशीष चाहिए तो आज घुटना टेक ले और पूरी तरह बदल जाओ, नहीं तो जिंदगी भर यही हालत रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस जमाने में भी ऐसे लोग थे रोहन जो क्या करते थे बताए, मसीह लोगों पे पीड़ा, इन्होंने 11 शिष्यों को खत्म कर दिया, कलीसिया को पूरी तरह नाश कर दिया, और फिर लास्ट में एक बंदा बचा था जिसका नाम क्या था, योहन्ना था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और योहन्ना को उठा के, आमीन, हम सब कहानी जानते हैं, उसे तेल के अंदर डाला, एक बार डाला वो नहीं मरा, दो बार डाला वो नहीं मरा, तीन बार डाला वो नहीं मरा, चार बार डाला वो नहीं मरा, आमीन। बाद में उसे उठा के कहां पे डाल दिया पता है, उसे पत्मस में उठा के डाल दिया। कहां पे उठा के डाल दिया, पत्मस नामक एक जगह पे उठा के डाल दिया। बोला ये नॉर्मल तरीके से नहीं मर रहा है, इसे मार के नहीं मर रहा है, इसके लिए इसे भूखा मारेंगे, इसे किसी आइलैंड में डाल दिया। पकड़ के उसे क्या कर दिया, उसे आइलैंड में डाल दिया। जब उसे आइलैंड में डाल दिया तो इन लोगों का अब तो खत्म होगा, अब तो खत्म होगा। आमीन। तो पत्मस में बैठा हुआ शैतान भी क्या सोचा होगा पता है, पत्मस कैसी जगह है, वो जगह है जहां पे लोगों को भूखा मारते, जहां पे आदमी सूख कर खत्म होकर भूख के मारे, प्यास के मारे, आमीन, पूरी तरह कमजोर होके खत्म होता है। तो उनको लगा शैतान ने बोला आ जा जल्दी आ, इसको बोला होगा अब तो तू मेरे डेरे में आ गया है। किसके डेरे में आ गया, शैतान, मैं तो तू मेरे डेरे में आ गया है, इधर भूखा तुझे क्या करूंगा, इधर भूखा तुझे खत्म करूंगा, इधर प्यासा तुझे खत्म करूंगा, आमीन, इधर तेरा नाश करूंगा। आमीन। शैतान को लगा हो गया खत्म, ये बारवा है, इसको खत्म किया, मसीह धर्म खत्म, अब नहीं बढ़ पाएगा। आमीन। बाइबल बताती है
आमीन पत्मस के बीचों बीच आमीन जब वहां पे वो बैठा था, बाइबल बताती है चौथे अध्याय में उसने अपनी नजर उठा के देखी, उसने अपना नजर उठा के देखा आमीन, और बाइबल बताती है एक दरवाजा उसके लिए खुला था, उसके लिए एक दरवाजा खुला था, क्या खुला था, एक दरवाजा खुला था आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परिस्थिति में जाते हैं किसी से मदद मांगने, योन्ना ने क्या किया पता है, जहां पे दिक्कत है वहीं बैठ के दुआ किया, शैतान के बीचों बीच बैठ के दुआ किया, दर्द के बीचों बीच, भूख के बीचों बीच, प्यास के बीचों बीच, मृत्यु के बीचों बीच बैठकर उसने दुआ किया, खुदा ने उसके लिए स्वर्ग में एक रास्ता खोला। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कहते मैं तुम्हारे लिए भी क्या करूंगा, तुम्हारे लिए एक दरवाजा, हेलो पर डोर फॉर यू, तुम्हारे लिए भी एक दरवाजा खोलूंगा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको, आपको स्वर्ग की ओर नजर उठाना पड़ेगा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तेरे पृथ्वी में दोष खत्म हो जाए, जब तेरे पृथ्वी में रास्ते खत्म हो जाए, जब तेरे पृथ्वी में कार्य बंद हो जाए आमीन, तू अपनी पत्मस के अंदर बैठकर आमीन स्वर्ग की ओर नजर उठा, तुझे दिखेगा तेरे रोग का एक दरवाजा दिखेगा, तेरे बच्चे का एक दरवाजा दिखेगा, तेरे काम का एक दरवाजा दिखेगा, तेरे भलाई का एक दरवाजा दिखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज यहां से खाली हाथ मत जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, खाली हाथ मत जाना यहां से आज आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समय व्यर्थ करने के लिए यहां पे नहीं आना, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना करते रहना, आराधना करते रहना, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का काम होए मत देना, आराधना करते रहना, कुछ दरवाजे तेरे लिए खुलने, थोड़ा वाला हमदाला बहुड़ाला धीरा रवगा, कुछ दरवाजे तेरे लिए खुलने हैं इस कलीसिया के अंदर। स्वर्ग की ओर से खुदा देख कर कह रहा है मेरी ओर नजर उठाने वाले तेरे लिए कुछ दरवाजा, तेरे लिए कुछ दरवाजा, तेरे लिए कुछ दरवाजा, पूरा वाला हमदाला बहुड़ाला धीरा। आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर चुपी बैठना तो घर पे बैठना था, आराधना नहीं करना तो घर पे बैठना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की उपस्थिति में आके बिना प्राप्त करे यहां से मत जाना, ये कोई स्टाइल वाला जगह नहीं है आमेन। यहां पे आराधना करना है, आए हो तो आराधना करके लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, आमेन। कान से सुनकर प्राप्त करो, मुंह से लेकर यहां से जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। समझ आया? शैतान ने कहा यहां पे खत्म होगा, यहां पे खत्म होगा, यहां पे खत्म होगा, यहां तेरे को नहीं जीने दूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरी ओर नजर कर। परमेश्वर आप क्या कह रहे हैं, किसकी ओर नजर करना है? बोले परमेश्वर की ओर नजर, परमेश्वर की ओर नजर। कहां नजर दिखाना है, किसकी ओर देखना है? आज आप यहां पे क्यों पता है, ताकि आप किसकी ओर देख सको, परमेश्वर की ओर। कम ऑन पीपल, किसकी ओर देख रहा है? परमेश्वर की ओर। पूरा वाला हंदला, यस, किसकी ओर देख रहा है? आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। परमेश्वर की ओर देखना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पत्मस में कोई दरवाजा नहीं था, पत्रस एक बंजर जमीन था, क्या था? पूरा बंजर जमीन था। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा बंजर जमीन था। हालेलुया। मैं एक सवाल पूछू, इस चर्च में कितने लोग हैं जो पूरा साल चर्च में आए, कोई भी आराधना मिस नहीं किया? खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाइए। मैं आपके ऊपर एक भविष्यवाणी देना चाहता हूं, एक भी हफ्ता मिस नहीं करा है तो खड़े हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हगबा हंदले रेखे। या आईसीएम के लोगों के लिए, अगर आप ऑनलाइन में भी हमारे साथ अगर रेगुलर जुड़े हैं, चुनने वाले जितने लोग हैं, थूरा वाला हथला रंदला रीबा शदगा रंदे रौड़े गड़गा। प्रेज़ द लॉर्ड। साल खत्म होने से पहले मैं आपको कह रहा हूं, ये साल खत्म होने से पहले आमेन, कई लोग घर पे बैठे, कई लोग कई काम में चले गए, लेकिन तू समय निकाल के आया है, तू आज डाल के रख ले साल का 31 तारीख होने से पहले आमेन। तूने अपनी नजर खुदा की ओर उठाया है, तेरा प्रार्थना का उत्तर आमेन, मैं गारंटी के साथ यह डिक्लेयर करता हूं, खुदा ने तेरे को दे दिया है, खुदा ने तुझे दे दिया है, खुदा ने तुझे दे दिया है।
मैं नहीं जानता आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, मैं आपको कह रहा हूं अपनी नंगी आंखों से देख, एक दरवाजा तेरे लिए खुदा ने खोल के रखा है। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बैठिए बैठिए बैठिए, प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ते आमीन जब मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि आमीन इस हफ्ता कुछ लोगों को सिर्फ भविष्यवाणी देना है, आमीन प्रेज, और कुछ लोगों को सिर्फ एक वचन ऐसा देना है कि वो ऐसा रिसीव करके जाए कि अगले 7 हफ्तों के अंदर, अगले 7 वीक्स के अंदर आप आईसीएम के कुछ लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन में परमेश्वर एक बहुत बड़ा गवाही देने जा रहा है। आमीन प्रेज। एक्चुअली मेरा ये काम नहीं था, ये वाला मेरा प्रचार नहीं था, प्रेज लॉर्ड। ये मैंने प्लान नहीं किया था, मैंने कुछ और प्लान किया था, पर इस हफ्ते में परमेश्वर ने मेरे को ये दिया। आमीन प्रेज, और बोला कि मैं कुछ लोगों को भेज रहा हूं। आमीन, वो तेरे पास इसके लिए भेज रहा हूं, तेरे साथ इसके लिए कनेक्ट कर रहा हूं। आमीन, क्योंकि उनके लिए मैं कुछ दरवाजे खोलना चाहता हूं। वो कई समय से परेशान है, परमेश्वर रास्ते बंद पड़े हैं। आमीन प्रेज, और अवस्थाएं बदल नहीं रही है। आमीन, उसी अवस्था में 2021 में पड़े हैं। खुदा ने कहा तेरे बच्चों के लिए, आमीन, तेरे कलीसिया के लिए, आमीन, मैं कुछ वायदे पूरे करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा एक दरवाजा तेरे लिए खोलने जा रहा हूं। आमीन, जहां दरवाजा नहीं है, जहां दरवाजा नहीं है, जहां दरवाजा नहीं है, उसके मध्य में तेरे लिए खोलने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इतने टाइम से यही प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर दरवाजा, ये वाला दरवाजा खोल दे, ये वाला दरवाजा खोल दे। परमेश्वर ने इस वीक मेरे को कहा तू क्यों टेंशन ले रहा है, जहां दरवाजा नहीं है वहां तेरे लिए लगा दूं। तू क्या दरवाजा, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला, ये भी क्या, ये वाला नहीं, तेरे लिए एक नया, 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 एब्सोल्युटली न्यू वन। यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मैंने सुबह की आराधना में शेयर किया था, पिछले हफ्ते हमने डिसाइड किया था कि ये हफ्ता हमें परमेश्वर एक गवाही देगा, एक गवाही। हम लोग सिर्फ प्रचार सुनते नहीं, हम प्रैक्टिस भी करते हैं। हालेलुया, कई लोग घर जाके भूल जाते हैं। आमीन, तो जो प्रचार सुनना है, आमीन, वो प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। तो हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, आमीन, इस हफ्ते परमेश्वर में एक गवाही देगा। तो ट्यूसडे को, आमीन, मैं और एबी, आमीन, हमें कुछ सामान लेना था चर्च के लिए, तो हमने अपने हाथ में 15,000 to 20,000 रुपीज रखा, और 15,000 to 20,000 रुपए लेके जाके हमने सारा प्लानिंग किया। आमीन, प्लानिंग मुझे पसंद है। आमीन, मैं ऐसे कोई भी चीज नहीं करता, प्लानिंग पसंद है। सारा कुछ लिख के, ढूंढ के, सब कुछ प्लान करके, कितना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा करके, 15,000 to 20,000 रुपीज मेरे हाथ में लेकर मैं गया, लेकर गया। और फिर मैं और एबी गए, हम करोल बाग गए, हमने वहां पे एक शॉप में गए, वो इंडिया का सबसे बड़ा शॉप है। आमीन, जो सामान हमें लेना, उस सामान के लिए इंडिया का सबसे बड़ा शॉप है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो। हम वहां पे गए, ऑनलाइन सब रिव्यू देखा, बहुत बढ़िया। हम लोग गए, ओनर ने हमें ऊपर बुला लिया, मेन ऑफिस में हम लोग गए, मेन ऑफिस में जाके हम बैठ गए। बैठने के बाद हमने बोला हमें इतना सामान चाहिए, उसने बोला कहाँ के लिए, मैंने बोला चर्च के लिए चाहिए। आमीन, हमने काफी कुछ बात किया, उसने कहा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा, जो आपके चर्च में काम आएगा वही वाला दूंगा। आमीन, सब करके उसने एरिया पूछा, मैंने चर्च का एरिया बताया, मैंने उसे बोला अगले साल हम एक नया चर्च लेने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें चाहिए। आमीन, तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए, आमीन प्रेज, आपने आमीन नहीं बोला, कुछ लोगों ने विश्वास ही नहीं है। आमीन, तो बोला कि कोई बात नहीं, हम दे देते हैं बोला। उसने बोला मैं बिल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, बिल बनाता हूँ। उसने स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया नापा, सारा नाप के स्क्वायर फीट के हिसाब से उसने बिल बनाना शुरू किया। बिल बनाया, मैंने कहा कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 20, नहीं तो 30 से ऊपर जाएगा नहीं। आमीन, चर्च के लिए कोई टेंशन नहीं है, बोल के क्या है हम लिख लिए। तो जब बिल जब सामने आया, आमीन, तो मुझे लगा 33,000 लिखे, मैंने ध्यान से देखा तो 3,30,000 है। मैंने बिल ध्यान से देखा तो सैमसंग कितना है, 3,00,000। मैंने कहा 30 तो समझ आता है, ये 3 कहां से, ये 3 बगल में कैसे आया। मैं एबी को, एबी सबसे पहले मुझे देख रहा था, बोला पास्टर आपको तो सारा प्लानिंग चौपट हो गया, बोला आपका तो प्लानिंग अब काम नहीं आएगा, है ना। मैं उसको देख रहा हूं, हम क्या करें, है ना, दिखा भी नहीं सकते कि हम मसीह लोग, हमारे पास है नहीं। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास की हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो तब भी हमने विश्वास किया। आमीन, हमने बोला अभी लेंगे, फिर हमने क्या किया, ऑर्डर भी किया, थोड़ा बहुत ऑर्डर किया, हमने कहा थोड़ा लेते हैं, देखना जरा विश्वास है ना, तूफानी विश्वास, प्रचार करके तूफान अभी अंदर नहीं है मेरे। आमीन प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे है ना, तो क्या हुआ, नीचे मैं उतरा, आधा थोड़ा प्रोडक्ट मैंने लिया, 15,000-20,000 का प्रोडक्ट मैंने बोला ऑर्डर किया, मैंने बोला अभी करेंगे करके। तो मैंने, उन्होंने बोला आप एक काम करो, कैश पेमेंट कर दो, तो मैं एटीएम जाना था,
तो मैं और ए भी जब नीचे आए तो मैं पूरे ए भी पैसे कैलकुलेट कर रहा है, सब चीजें मेरे दिमाग में चल रहा है, 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000। परमेश्वर ये क्या हो गया, आधा सामान से तो काम नहीं चलेगा, पूरा सामान चाहिए परमेश्वर। आमीन। ऐसे ही मन के अंदर वहां पे प्रेज़ द लॉर्ड खड़े खड़े है ना, हॉल के अंदर खड़े खड़े मैंने एक छोटा सा प्रार्थना किया, आई विस्पर्ड अ प्रेयर। बोलिए एक छोटा सा प्रार्थना बोला, बोलिए एक छोटा सा प्रार्थना बोला। कभी कभी आपका छोटा प्रार्थना कई कई परिस्थितियों में अद्भुत काम करने लग जाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा प्रार्थना दिल के अंदर, मन के अंदर, एबी को भी नहीं पता, परमेश्वर को देखकर मैंने कहा खुदा मेरे पास तो हो। आमीन। मैं तो 30 या मैक्सिमम 20 या 30 सोच के आया था, ये तो मेरे बजट से 10 गुना आगे बढ़ गया है, मेरे लिए कोई रास्ता खोल। एटीएम को जाने के लिए दुकान से बाहर निकले, जैसे दुकान से बाहर निकले तो साइकिल रिक्शा में एक बंदा क्या है, साइकिल रिक्शा में एक बंदा खड़ा हुआ है, साइकिल रिक्शा में एक बंदा खड़ा हुआ है। जो प्रोडक्ट हमने चाहिए उससे मिलता जुलता, हमारे जो हमें जो चाहिए वो नहीं, मिलता जुलता एक सामान वहां पे एक बंदा साइकिल रिक्शा में। एटीएम को जाते वक्त हम अचानक मुड़े और हमने बोला एक बार ढूंढ लेते। पहले दिमाग में आया गूगल में डाला, आसपास एक भी वो प्रोडक्ट का दुकान, नंबर वन दुकान कौन सा है बताए जहां पे खड़े वो ही देता है। गूगल ने बोला पॉसिबल नहीं है, सब जगह चेक किया सब ने बोला पॉसिबल नहीं है, सब ने बोला पॉसिबल नहीं है, सब ने बोला इट इज नॉट पॉसिबल। दिल कह रहा था इधर तक लाए हैं तो जितना तूने प्लान किया है उसी के अंदर अंदर एक अद्भुत काम करूंगा। कुछ कुछ तो था अंदर जो कह रहा था बार बार कि कुछ है ना, वो 3,30,000 और गूगल भी बोल रहा है और पता नहीं कौन सा इंडिया मार्ट है जहां पे आप चेक कर सकते, सब चेक किया एक ही धड़ाधड़ एक ही बारी के अंदर चेक कर रहे सब कुछ। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब परमेश्वर अंदर बात कर रहा है कुछ ना कुछ है तो हमने ढूंढना शुरू किया, ढूंढ रहे पूरा करोल बाग क्या कर दिया, चल के छान मार रहे, कैसे मार रहे चल के छान मार रहे, इतना थक गए कि एक डेढ़ घंटे बाद भूख लग गई, चल चल के। तो एक एक छोले भटूरे वाला वो होता है ना, वो रेडी में रख के बड़ा पसंद है मेरे को, हमें है ना। अब मैं पैसे बचा रहा हूं, इसको क्या पता मैं जानबूझ के इसको ज्यादा अच्छा नहीं खिला यही खा लेते हमें, अगर थोड़ा पैसा बचा लेंगे तो अगला वो पास्टर के साथ सोच रहा बढ़िया खाना मिलेगा, पास्टर पैसा बचा रहा हालेलुया आमीन। भटूरे वाले के पास जाके क्या है, एक प्लेट उसने एक प्लेट, मैंने बड़े विश्वास के साथ हम क्या कर रहे हैं, खा रहे। मैंने कहा अभी एक और चाहिए, मुझे पता था 30 रुपए जाने, मैंने कहा एक और ले ले, कोई नहीं पास्टर की तरफ से, अरे 90 रुपए में काम हो गया, भटूरा खा लिया, लेकिन अभी तक जो सामान चाहिए वो नहीं मिला। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां से, आमीन, जब भटूरा खाया वहां से मैंने जैसे ही लिफ्ट लिया वहां पे खड़े होकर मैंने प्रेयर किया, बार बार रिपीट, काश परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत रास्ता खोल दे। वहां से लेफ्ट लिया तो वहां पे एक बड़ा दुकान में बोर्ड लिखा है, आमीन, दुकान में बोर्ड लिखा है जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसका होलसेल का दुकान है, उसका होलसेल का दुकान है। हम चर्च से आए, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो एक प्रोडक्ट 2,500 रुपए का है, एक हमें वैसे कम से कम 60 से 70 प्रोडक्ट चाहिए है ना, और भी उससे ज्यादा 100 से भी ऊपर चाहिए होगा, तो 2,500 या 3,000 से नीचे नहीं है, वो भी पतला वाला, मोटा वाला जाएंगे तो 3,600 से 4,000 रुपए एक प्रोडक्ट। आमीन। तो हमने बड़े स्टाइल में वहां खड़े होकर पूछा आपके पास ये मिलता है, उन्होंने बोला बिल्कुल मिलता है जी। आमीन। है ना, मैंने पूछा कितना, उन्होंने पूछा कितना चाहिए, मैंने उन्हें बोला इतना चाहिए, मैंने उन्हें बोला इतना आप दे दोगे तो इतने में क्या है हमारा काम हो जाएगा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पूछा, वो कहता अभी मंगवाता हूं। कुछ वो दुकानदार रहते ना बड़े एक्साइटमेंट वाले, उनको देख के लगा होगा ये तो पक्का पक्का खरीद लेंगे, हम पहले पैसे तो बता दो। अरे नहीं सर आने दो, मैंने कहा पैसे तो बता दो, अरे सर आने दो, मैंने कहा चलो आने दो, आमीन, आने दो भाई, अब तेरे को लग रहा है इतना विश्वास है, आमीन, तो आने दो। आमीन। वो क्या किया, सामान लेके आया, आमीन, सामान हमने देखा, हमें बिल्कुल पसंद आया, हमने पूछे कितने का है, टोटल कितने का पड़ेगा, उसने एक रेट बोला, ऐसा लगा जमीन नीचे से खिसक गई, 3,30,000 बोलने वाला प्रोडक्ट, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे भी 10 गुना कम रेट में क्या है, परमेश्वर ने जितना हमारे पास था वो तैयार करके परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंदर गया, मैं इतना इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के लाइव में वो भाई साहब भी है
प्रेज़ द लॉर्ड। वो भाई साहब भी आज हमारे साथ ही है। मैंने उनको बोला कि मैंने उनको लिंक शेयर किया, उन्होंने बोला पास्टर जी जब आप करो, तो मैं अंदर गया। अंदर गया तो मैं बैठा हुआ था, ये भी सामान गाड़ी के अंदर लगवा रहा था, मैं अंदर पैसे के लिए बैठा हुआ था। तो जब मैं अंदर बैठा हुआ तो वो भाई साहब ने मेरे को बोला दुकान सब अच्छी तरह नहीं चल रहा है, बड़ा परेशान है करके बोला। तो मैंने बोला कि मैं भी एक पास्टर हूँ। अच्छा आप भी कोई पंडित है? बोला मैं, बोला हाँ उससे भी बड़ी चीज हूँ। आमेन प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कहा हाँ हूँ, आमेन प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा मैं एक दुआ आपके लिए कर दूं करके बोला, एक दुआ है ना। उन्होंने बोला कर दो बोला है ना। मैंने क्या किया, वहां खड़ा हुआ, आमेन प्रेज द लॉर्ड, वहां पे उसके लिए दुआ करना शुरू किया। आमेन। वही टेबल में एक और बंदा बैठा हुआ था, उसके लिए दुआ किया। दुआ खत्म होने के बाद उसने बोला सर आप एक काम करो, 3,000 रुपए और कम करो, 3,000 रुपए और कम करो, ये भी आप ले जाओ। आमेन। मेरा बोला बोल, मेरे को बोल रहा है आपसे ज्यादा लेने का मन नहीं कर रहा है। आमेन प्रेज़। आपसे ज्यादा लेने का मन नहीं कर रहा, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूं आमेन तेरा मन बदलने वाला, आमेन पृथ्वी को बनाने वाला मेरा यीशु, तेरा मन क्या है वो बदल रहा है। हालेलुया हालेलुया। जब हम वापस आए जितना सोचा था उससे भी कम में हमें सामान मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। पूरे रास्ते मेरे मन में परमेश्वर के लिए सिर्फ धन्यवाद था। आमेन प्रेज द लॉर्ड। उसका बच्चा आमेन जहां पे उसके लिए एक आवाज उठा ले, बंजर जमीन में जहां पे किसी का नजर नहीं गया, गूगल का नजर नहीं गया, वहां पे मेरे लिए परमेश्वर ने एक नया दरवाजा खड़ा कर दिया। बोला जा ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा क्या? आपको लगता है प्रेज द लॉर्ड कि आपके लिए परमेश्वर एक नया दरवाजा नहीं तैयार करेगा? आमेन। विश्वास कीजिए, आमेन उसको मानिए। आपके पत्रस के भीतर परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा क्या चार चार खोल कर कहेगा, मेरी ओर नजर उठाया है, तेरे लिए रास्ता खोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम से आप पूछेंगे, उत्पत्ति 15 में पूछेंगे, तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा इस प्रकार से कि जा आमेन तेरे बच्चे को मुझे बलि चाहिए। आमेन। उसने बोला बच्चे का बलि चाहिए, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। वो अपने बच्चे को लेकर क्या कर रहा है? वो जा रहा है बच्चे को लेकर जा रहा है। उसके मन में बड़ा दुख होगा। उसका इकलौता बेटा 25 साल बाद पैदा हुआ बच्चा है, 100वें साल में उसे वो बच्चा मिला था। खुदा ने कहा ये बच्चा मुझे चाहिए, बलि चढ़ाना है। किसके लिए? आराधना के लिए। बोले आराधना के लिए। आराधना के लिए क्या है? ऑफरिंग। क्या है ऑफरिंग का मतलब? आराधना है। क्या है ये आराधना? तुझे मेरे लिए अर्पण करना, अपना इकलौता बेटा देना। उसने बोला ठीक है दे देंगे। पता नहीं उसके अंदर कुछ विश्वास था। बेटे को लेके वो चला गया। लेते लेते वो क्या कर रहा है पता है? आमेन प्रेज द लॉर्ड। लेते लेते मान लीजिए अगर शिव कुमार जी अब्राहम है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, तो वो क्या कर रहे हैं पहाड़ पे आराम आराम से दिल टूट के क्या कर रहे हैं? आमेन प्रेज द लॉर्ड। टूट के आमेन वो क्या कर रहे हैं? दिल तोड़ तोड़ के वो आ रहे हैं। आमेन एक एक करके क्या है परमेश्वर के पास क्या कर रहे होंगे? अब्राहम क्या कर रहा है? आमेन एक एक करके आइए अब्राहम, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम आ रहा है, दिल टूटा हुआ है, कौन रास्ता खोलेगा? मेरा बच्चा मरने वाला है, उसका ऑफरिंग होने वाला है, उसको बलि चढ़ाने वाला है। आमेन। लेकिन अब्राहम को नहीं पता जब वो इस साइड के पहाड़ से चढ़ के आ रहा है, आमेन, परमेश्वर ने क्या किया है? पहाड़ के दूसरे तरफ परमेश्वर ने एक नेम लिखो क्या किया है? परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। इस तरफ से चल के आने वाले को नहीं पता था इस तरफ एक नेम ना खुदा ने तैयार करके रखा है। आज तू यहां से जब चल के आएगा जान जाओ बगल में खुदा ने एक मेमने को क्या किया है, खुदा ने तैयार करके रखा है। विश्वास करते हो तो ताली बजा के जरा परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। ये भी तेरा भलाई है और ये भी तेरा भलाई है। तू आराधना करेगा खुदा एक रास्ता खोलेगा, तू आराधना करेगा परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुझे इधर खड़े होते हुए शायद नहीं दिखेगा, इधर खड़े होते हुए तुझे नहीं दिखेगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है, पर परमेश्वर तेरे बीचों बीच खड़ा है। तू यहां पे आराधना कर, खुदा यहां पे क्या कर रहा है? तेरे उत्तर का ताकत दे रहा है। यहां पे आवाज उठा के आराधना कर, किसी और जगह में खुदा तेरा उत्तर तेरे पास लेके आ रहा है, तेरे दुख के मध्य में। ओरी ओरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू
थैंक यू शिव कुमार जी, थैंक्स द लॉर्ड, हालेलुया। हमें तो पता ही नहीं है मुझे इस कहानी का सबसे सुंदर भाग कौन सा लगता है, पता, मैंने कई बार ये बोला, कई जगहों पे मैंने बोला इस कहानी का सबसे सुंदर भाग है, परमेश्वर ने एक मेमने को तैयार किया। किसको तैयार किया? एक मेमने को तैयार किया। अब परमेश्वर को पता था अगर मेमना बलि के लिए देना है तो प्रेज लॉर्ड वो मेमना कितने साल का होना चाहिए? वो कम से कम 3 साल से ऊपर का होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर अपने ही वचन के खिलाफ नहीं जाता, तो परमेश्वर को पता था 3 साल बाद मैं क्या करूंगा, अब्राहम को बोलूंगा कि उसका बच्चा मुझे क्या चाहिए, आमीन, बलि में चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया 3 साल बाद, आमीन, मांगने के लिए 3 साल पहले परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक मेमने को जन्म दिया। मेमने ने सोचा होगा मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेमने ने सोचा होगा आमीन मैं क्यों इस पृथ्वी में आया हूं, किसी और के भलाई के लिए सबसे उत्तम बलि तू चढ़ने जा रहा है, इसके लिए तुझे तैयार किया है। लोरे, जहां रास्ता नहीं है, जहां दरवाजा नहीं है, परमेश्वर वहां पे क्या करता है? दरवाजा करता है। पौलुस और शीलास एक जेल के अंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड, जहां आराधना नहीं हो सकता उन्होंने वहां आराधना किया। आमीन। आज जहां पे आराधना नहीं हो सकता वहां पे तुझे आराधना करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पे परिस्थिति कहता दुखी रहना है, जहां पे परिस्थिति बोलता है आशीषित नहीं होगा, जहां पे परिस्थिति बोलता है कल तेरा मृत्यु है, उस मृत्यु के मध्य में तुझे क्या करना है, एक आराधना करना है। परमेश्वर कहता है स्वर्ग से एक दरवाजा तेरे लिए खोलूंगा, स्वर्ग में आई विल ओपन डोर फॉर यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब आप एक अच्छे कंपनी में जाते हैं, किसी एक अच्छे शॉप में जाते हैं, आई मीन, तो लोग क्या करते हैं पता है? आपको क्या देंगे? विजिटिंग कार्ड। जाते वक्त क्या देंगे? विजिटिंग कार्ड आपको देंगे, उसमें लिखा होगा है ना, फलाना फलाना आपके बारे में, या वो दुकान वाले के बारे में फलाना फलाना क्या है, उसका नंबर, आई मीन, उसकी दुकान का नाम, सब कुछ क्या होगा, बढ़िया तरीके से वहां पे लिखा होगा, और लिखा होगा इंटीरियर डिजाइनर है, टीचर है, ये है, बिजनेसमैन है, टाइल बेचने वाला है, बिल्डिंग मटेरियल करने वाला, उसका विजिटिंग कार्ड में वो सब कुछ लिखा होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह योहन्ना के पास आया तो यीशु मसीह ने भी योहन्ना को एक विजिटिंग कार्ड दिया। यीशु मसीह ने भी योहन्ना को एक विजिटिंग कार्ड दिया, और यीशु के विजिटिंग कार्ड में क्या लिखा था पता है? आई एम जीसस। जो दरवाजे में खोलता हूं वो और कोई बंद नहीं कर सकता, और जो दरवाजे में बंद कर दू वो और कोई खोल नहीं सकता। ये था यीशु के विजिटिंग का। योहन्ना, जो दरवाजा मैं तेरे लिए खोल रहा हूं कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकता, और जो मैं अब बंद करने जा रहा हूं कोई ताकत उसे खोल नहीं सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर वही विजिटिंग कार्ड लेकर आपके पास आया है, और वही विजिटिंग कार्ड लेकर आपको एक और बार विश्वास दिला के बोल रहा है, तू जहां पे आया है वहां पे मैं तेरे लिए कुछ दरवाजे को खोलने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा दर्द से जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दुख से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके मध्य में परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है? एक दरवाजा। गॉड इज प्रिपेयरिंग अ डोर फॉर यू। एक दरवाजा आपके और मेरे लिए तैयार कर रहा है, और हम सोचते रह गए परमेश्वर मुझे आग में डाला, आई मीन, मुझे तेल में डाला, अभी मुझे पत्मस में डाल दिया है, आई मीन, कोविड में मेरा सब कुछ नाश हो गया है, अभी मैं और क्या सहना बाकी है। परमेश्वर कहता है इश्क के मध्य में एक बार नजर उठा, एक बार नजर उठा, मेरी ओर देख, तू देखेगा, तुझे दिखेगा, मैंने तेरे लिए तेरे लिए एक दरवाजे को क्या किया है, मैंने तेरे लिए खोला है। Praise the Lord। भविष्यवक्ता से आप पूछेंगे तो भविष्यवक्ता कहेगा जहां पे मैं गया सब जगह क्या है? बंजर जमीन है। हालेलुया। क्या है? सिर्फ बंजर जमीन। आई कैन ओनली सी दैट देयर इज नथिंग एल्स आउट देयर। कुछ और नहीं है, सिर्फ बंजर जमीन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मृत्यु के शरीर हर जगह पे है, लेकिन भविष्यवक्ता से पूछते कि क्या ये जी उठेगा। उसने बोला उठेगा, पक्का उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों उठेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि भविष्यवक्ता आई मीन, जीवन का कुंजी में क्या करने जा रहा हूं, आई मीन, तेरे हाथों के भीतर में तुझे देने जा रहा हूं, आई मीन, उस कुंजी से तू कुछ भी खोल सकता है। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? विश्वास का एक कुंजी परमेश्वर आपके हाथ में देने जा रहा है। विश्वास का एक कुंजी, अपने हाथ को लीजिए और बोलिए विश्वास का एक कुंजी परमेश्वर आपके हाथों के भीतर देने जा रहा है। हालेलुया।
ये सबने ऐसे ही नहीं लिख के रखा हुआ है। ए मसीह लोग कुछ यूज भी नहीं करते। बीमार हो गए तो पहले डॉक्टर के पास भाग गए। अरे बाइबल कहता है तेल ले, प्रार्थना कर, लगा तू ठीक हो जाएगा। हम कहां को भागते? तेरे को यहां पे फ्री का तेल मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, फ्री का मिल रहा था, पी नीचे। हाँ वो छोड़ो, नहीं बोलेंगे। हालेलुया, फ्री का तेल यहां मिल रहा है तो विश्वास करो ना। बाइबल कहता है तुम्हारे बीच में अगर कोई भी अगर बीमार है, तेल लो, अभिषेक करो, आमीन, उसे लगाओ, वो व्यक्ति का वहां पे क्या होगा? छुटकारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसके लिए लिखा है? ये हमारे लिए लिखा है। हम नहीं यूज करते, हम कहते किसी और को ले लो, हम नहीं यूज करेंगे, हम नहीं यूज करेंगे। ये कुंजी भी रखा हुआ है, दाऊद का कुंजी मैं तेरे हाथों के भीतर देना चाहता हूं। कहां? हम जिंदगी भर वही घर का वो जो छोटा मोटा सा अलमारी है जिसके अंदर 500 रुपए 1000 रुपए रखा वही लेके आज तक घूम रहे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कह रहे मुझे तो तुझे बढ़ाना है लेकिन तू कुंजी मांग नहीं रहा है। आमीन। जब तक तू चाबी नहीं मांगेगा तब तक दरवाजा कैसे खोलेगा? तो मैं तुझे चाबी देना चाहता हूं। सब हमारे लिए लिखा है, ये सब मसीह लोगों के लिए लिखा है। देश का ताकत तेरे हाथों के भीतर परमेश्वर दे देगा, देश का कुंजी परमेश्वर तेरे हाथों के भीतर दे देगा, हमें जगाओ का कुंजी खुदा तेरे हाथों के भीतर देगा, तेरे परिवार का कुंजी खुदा तेरे हाथों भीतर देगा, तेरे काम का कुंजी। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम भी जब कोई बिजनेस के लिए दुआ करने जाते तो हम यही बोलते परमेश्वर हाथ इस जगह का जो भी कुंजी है, जो भी दरवाजा बंद है वो सब यीशु के नाम से क्या कर दो, आप खोल दो। परमेश्वर खोलता है, दुआ सुनता है। हालेलुया। आज यहां पे आए तो अपने हाथ में कुछ कुंजी लेकर जाना, कुछ चाबी लेकर जाना ताकि उसे उपयोग आप कर सको अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर वो कुंजी यूज करो। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। एलाइजा एक जगह पे खड़ा है, 400 अशेरा के जितने भी उनके नबी थे वो वहां पे खड़े थे, तलवार लेके, क्या खड़े थे? तलवार लेके खड़े थे। और एलिया ने बोला एक काम करो, तुम 400 हो, मैं एक हूं, तुम्हारी तरफ से कितने हो? 400 हो, मैं अपनी तरफ से कितना हूं? एक अकेला काफी हूं। तुम 400 लोग मिलकर तुम इतना बाबा बाबा बा करते रहते हो, एक काम करो ऊपर से तुम आग निकाल के दिखाओ, ऊपर से तुम आग उतार के दिखाओ। तुम 400 है ना, मैं अकेला हूं, देखते हैं किसके खुदा में दम है। तुम तो 400 हो ना, तुम्हारी अशेरा और तुम्हारे बाल, नाम भी क्या क्या है, बाल, तुम्हारा बाल, तुम्हारा अशेरा, जो भी है भाई, है ना। 400 लोगों ने क्या किया? तलवार लेके खड़े, क्योंकि उनको लगने लगा अब भी क्या भेजेंगे, अब भी भेजेंगे। अबे जिसके अंदर खुदी आग नहीं है वो क्या आग भेजेगा? प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लेट लेट के कर रहे, हिल हिल के कर रहे, हाथ तोड़ तोड़ के कर रहे, अरे आग भेज दो, आग भेज दो, नाच रहे, बाल हिला रहे, सब कुछ कर रहे, जो कर सकते सब कुछ किया। वो वहां पे देख के हंस रहा होगा, कौन? एलिया था भी ऐसा, एलिया था भी ऐसा, अलग ही उसके अंदर वो था। करो भाई जितना नाच सकते हो, कन नाचे, काटा भी उन्होंने अपने हाथ को काटा, किसी ने अपने जुबान को काट दिया, किसी ने यहां से पता नहीं क्या निकाला, सब कुछ करा, लेकिन आग वहां पे नहीं। हो गया, बोला हो गया, हो गया। कभी कभी कुछ लोग जाते परमेश्वर को छोड़ के, तो मैं उन्हें बोला जो करना है कर लो, लौट के इधर ही आओगे, बुरा मान जाते हैं, मुझे पता है ना, कर लो जो करना है, आप भी कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया, इनको भी बोला करो जो करना है कर लो, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में इलाने बोला हो गया ना, मेरी बारी। उसे बोला पानी डालो, क्या डालो? पानी डालो। तो बोला खड़े हुए सारे लोग हंसने लग गए, बोला देखना आग लाने के लिए क्या डाल रहा है।
देखो परमेश्वर का चीज अगर तुम्हें समझ आता ना तो तुम परमेश्वर होते और परमेश्वर विश्वासी होता। समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर घुसा। आमीन। कभी कभी हम जो प्रचार करते हैं ना, ये कुछ अविश्वासियों को समझ नहीं आता। बोलिए, आप विश्वासियों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर बना पड़ा है। वो क्या है? ABCD उसने क्या सीख लिया, 12वीं तक उसने क्या पढ़ लिया, 3 से 5 साल उसने क्या एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली, उसको लगने लगा है आमीन वो कौन है। वो भूल गया, जब बूढ़ा ऐसे आएगा उसे याद नहीं है। थोड़ा सा पढ़ाई क्या कर लिया, थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, तो गाड़ी क्या खरीद ली, उसको लगने लगा है वो परमेश्वर से भी ज्यादा। आमीन। अकलमंद मूर्ख, तुझे क्या पता परमेश्वर चीज क्या है? हालेलुया। किसी ने बोला आपका विश्वास सेंस नहीं बनाता है। फिर को किसी ने बोला आपका विश्वास, मैंने बोला विश्वास अगर सेंस बनाने लगे ना तो फिर वो विश्वास नहीं है। विश्वास अगर सेंस बनाने लगे तो वो विश्वास है क्या? नहीं है। वो सेंस नहीं करता, नहीं समझ आएगा ये सब। बोला पहले क्या डालो? पानी। जब तक पानी नहीं डालोगे तब तक आग नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो अविश्वासी को कभी समझ नहीं आएगा हम क्या प्रचार कर रहे हैं। वो शायद कल का ये वीडियो लेके भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे उड़ाने दो ना यार। जब पहली बार शिष्य लोग आमीन एक कमरे के अंदर दुआ करने लगे, 10 दिन तक उन्होंने दुआ किया। 10 दिन जब दुआ किया, आमीन, 10वें दिन परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो लोग क्या भाषा में बात करने लगे? अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। करना है, करने लगे कि नहीं करने लगे? जब ये अन्य भाषा में बात करने लगे, खड़े हुए लोग पता है क्या करने लगे? वो मजाक उड़ाने लगे। क्या करने लगे? क्योंकि अविश्वासी थे। क्या थे ये? इनको लगता था ये वही वाली कैटेगरी के। आमीन। 2 से 2 क्या जोड़ लिया, इनको लगता है कि बस अब दुनिया इनके कब्जे में है, तो ये लोग मजाक उड़ाने लगे। किसका? मसीह लोगों का मजाक उड़ाने लगे, उनके अन्य भाषा का मजाक उड़ाने लगे। उनको लगा ये दारू पीकर ये सब कर रहे हैं। हालेलुया। दारू पीकर अन्य भाषा नहीं मिलता है बेटा, दारू पी के तो कुछ और मिलता है तुझे। तू अपनी पत्नी से पूछ ले वो। हालेलुया। हालेलुया। ये दारू वाला चीज नहीं है। आमीन। उससे ताकतवर है। आमीन। जब ये अंदर घुसता है, स्वर्ग का हर एक ताकत तेरे शरीर के अंदर कार्य करना शुरू करता है। और फिर पत्रस वहां पे खड़ा हुआ, अन्य भाषा सब बोलने के बाद पत्रस खड़ा हुआ। पीछे 119 लोग बैठे हुए, शायद उससे कुछ ज्यादा भी होंगे। 119 लोग बैठे। बैठने के बाद वो सब प्रेयर में क्या है, बिल्कुल आग में है वो। हालेलुया। जब वो आग में थे, वो पीछे से प्रेयर में सपोर्ट कर, पत्रस प्रचार करने लगा। जो लोग वहां पे मजाक उड़ा रहे थे, वो सब के सब आधे घंटे बाद परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करके उसको पूरी तरह मान लिया। हालेलुया। अरे वो क्यों मजाक उड़ा रहे थे? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं था? परमेश्वर नहीं था। जैसे ही परमेश्वर आया, हमें जो मजाक उड़ाने वाला भी क्या करने लगा, हमें खुदा का जय जयकार करने लगा। आमीन। आज मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जब पवित्र आत्मा आएगा, तू अपने परिवार को लेके बिल्कुल टेंशन मत ले। तेरा पति नहीं आया, पत्नी नहीं आया, बच्चा नहीं आया, परिवार छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। एक दिन उतरेगा परमेश्वर का पवित्र आत्मा तेरे पति के अंदर, पत्नी के अंदर, बच्चे के अंदर। जब वो आएगा, अपने आप क्या करेगा, आपके जीवन में एक अद्भुत काम, आपके परिवार के अंदर एक अद्भुत काम होगा। हालेलुया। एलेन बोला पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, क्योंकि इन मूर्खों को मैं जिताना दिखाना चाहता हूं मेरे परमेश्वर का ताकत क्या है। तुम तो सूखे वाले लकड़ी में भी आग नहीं लेके आ पाए। आमीन। मैं तो पूरे पूरे बहने वाले पानी से बहने वाले लकड़ी में क्या लेके आने वाला हूं। आमीन। मैं एक बहुत बड़ा तूफान, एक बहुत बड़ा आग क्या है, मैं उतर के ले आने वाला हूं। हालेलुया। अब समझिए, कभी कभी परमेश्वर आपको आग देने से पहले परमेश्वर आपको भिगाएगा। एक और बार लाइन बोलता हूं, आपको उठाने से पहले परमेश्वर पहले आपका मजाक बनवाएगा। आपको उठाने से पहले परमेश्वर आपका
क्योंकि इधर आते ही अगर सब कुछ मिल गया तो फिर कौन आएगा वापस। हालेलुया। ये अशेरा और वो बाल वाले नहीं है, पता नहीं बाल दाढ़ी मूछे सब उनके एक एक खुदा का नाम था। हालेलुया, आमीन। और मुझे कहता पहले आ थोड़ा पानी में, मैं तुझे क्या करूंगा, नहलाऊंगा, ताकि अगल बगल देखने वाले बोल सके क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला, क्या हुआ वहां जाके, क्या मिला यीशु के साथ, बहुत सारा क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा। आमीन। क्योंकि तेरे जीवन में तूने प्रेयर करने के बाद सोचा तेरा जीवन बदल जाएगा, तुझे पता लगा तू और पानी हो गया। क्या हो गया? और पानी हो गया। परमेश्वर ये क्या, ये क्या पानी, और पानी 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 परमेश्वर ये तो और दिखा दिया आपने मुझे। पर जितना परमेश्वर तेरे ऊपर पानी डाल रहा है उतना तेरे को समझना है प्रेज़ द लॉर्ड, उतना ही आग का ज्वालामुखी भी उतना ही तेज तेरे ऊपर आने वाला है, उतना ही पवित्र आत्मा का ताकत तेरे ऊपर आने वाला है। मैं थोड़ा और समझाता हूं, पानी ज्यादा होगा तो जो आग आएगा वो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? अगर एक पेपर गीला है अगर उसको जलाना है तो आग ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? एक जगह पे अगर गीला पोचा है, गीला ग्रास है, वहां पे पेट्रोल ज्यादा डालना पड़ेगा कि कम डालना पड़ेगा? हालेलुया। तू पिछले दिनों में प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति से, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, बहुत ज्यादा भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे, और तू सोच रहा मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला है। आमेन। तेरा वाला सबसे अलग होगा, जब तेरे ऊपर गिरेगा, आमेन, इतना तेज गिरेगा, इतना भयंकर गिरेगा कि सब लोग चौंक जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तेरे गीलेपन पे, तेरे असंभव कार्य के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, एक अद्भुत काम करेगा, दुनिया भी चौंक जाएगी। इट विल बी सडन, अचानक होगा, इतना अचानक होगा कि दुनिया भी परेशान हो जाएगी, ये क्या हो गया, उन्हें भी नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो गया। करीब करके दाऊद से पूछोगे तो दाऊद क्या करता था बताया, जब भी एक परेशानी में जाता था दाऊद गाना लिख देता था। क्या करता था? गाना लिख देता था जब भी एक परेशानी में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी एक परेशानी में जाता है गाना लिख देता। हम क्या करते हैं, हम रो रो कर बगल वाले को हिला देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये देखो, इतना ज्यादा मत रो कि लोग आपसे भागने लग जाए, इतना ज्यादा मत रो आपसे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अदुल्लम के गुआ के अंदर है, बाइबल बताती है उस अदुल्लम के गुआ के अंदर उसने क्या लिखना शुरू किया, एक गाना लिखना शुरू कर दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ रहा था, उसने क्या लिखना शुरू कर दिया, आमीन, एक गाना लिखना शुरू कर दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक हिरनी को पानी के पास देखा, आमीन, अकेले बैठा है, भूखा बैठा है, उसने क्या किया, हिरनी को देखकर उसने वहीं पे एक गाना लिखना, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए, जैसी हिरनी पानी के लिए वैसा मैं भी हूं तेरे लिए। परेशानी के बीच में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। हम परेशानी के बीच में लड़ाई करते हैं, हम परेशानी के बीच में गाली बकते हैं, हम परेशानी के बीच में फालतू चीज बोलते हैं। दाऊद को जरा देख, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो परेशानी के बीच में परमेश्वर के लिए अद्भुत अद्भुत गाना लिख रहा, कह रहा जैसे हिरनी पानी के लिए जाती है खुदा, वैसा मैं तेरे और करीब आना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे को बहुत पसंद है, मैं फिर कभी प्रचार करने वाला था, लेकिन अभी बताता हूं आपको। ये हिरनी पानी के पास जाती है, हिरनी क्या करती है, किसके पास जाती है, स्टिल वॉटर्स के पास। क्या करती है हिरनी, क्या करती है, वो जाती है, उसके पीछे कारण कई सारा कारण है, एक कारण आज बताता हूं आपको। हमें जब हिरनी इसके लिए जाती है क्योंकि हिरनी को पता है इसके पीछे शेर, लायन, लेपर्ड, ये बड़े बड़े जानवर हमेशा इसके पीछे, क्योंकि इसका मीट बड़ा टेस्टी है, इसका मीट मीट बड़ा। हम मसीह लोगों का खासियत ये, शैतान हमारे पीछे क्यों है पता, क्योंकि हमारा हम बड़े
इज अ लॉट। वो दुनिया के कितने लोगों का भी खा लेना, उसे सबसे टेस्टी किसका लगता पता है? पड़ा रहता हमारे पीछे कहते ये ही वाला लूंगा, ये मस्जिद, ये सबसे बढ़िया वाला है। हालेलुया। कोई और ये ना, ये चूहे कॉकरोच देखा कब ना, शेर। बाइबल बताती है इस प्रकार से शैतान के बारे में, गजरने वाला क्या है, गजराता हुआ शेर है। उसका काम क्या है, तुझे कैसे भी करके, क्योंकि तेरा मीट अच्छा है रे, तू दुआ करने वाला व्यक्ति, आराधना करने वाला व्यक्ति, हाथ उठाने वाला व्यक्ति, बढ़िया इंसान है तू, तो तेरा वाला खाने में टेस्टी लगता है उसको। बोला तेरे को खत्म करेंगे, तेरे को खत्म करेगा, तेरे को नाश करेगा, तो वहां पे उसके लिए तालियां बजेंगी। किसके लिए? शैतान के लिए बढ़िया ताली बजते। तो ये हिरनी को भी पता है कि कई सारे शेर, लेपर्ड, लायन, ये सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो ये क्या करती है, जहां जहां ये चलती है ना, तो उसके पैर के निशान पहली बात रह जाते हैं। दूसरा इसका प्रॉब्लम आप जानते क्या है, इसका एक स्मेल है, बोले स्मेल है। इसका एक खुशबू है, बोले खुशबू है। थोड़ा जोर से बोले यार, खुशबू है। हालेलुया, खुशबू है। हालेलुया, थोड़ा खुशबू है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये खुशबू सूंघकर कौन आता है? शेर सिर्फ पैर के वो नहीं देख के आता, वो एक्चुअली उसका स्मेल क्या करता है उसको आ जाता है। हिरनी का एक स्मेल है, वो स्मेल से ये लोग इसके पीछे पीछे आते हैं। तो हिरनी क्या करती है, जहां पानी देखती है, हिरनी को पता है इसके पीछे कौन पड़ा है, शेर। तो ये पानी में उतर जाती है, क्या करती है, ये पानी में उतर कर अगला पार वो करती है। आपको पता है क्यों करती है, जब ये पानी में उतरती है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब पार चली जाती है, पूरा पानी में क्यों उतरती है, क्योंकि उसके शरीर का पूरा स्मेल क्या करता है, बदल जाता है। और फिर शेर उसके स्मेल को क्या नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता, उसे पता ही नहीं होता कि यहां से हिरनी यहां को गई है, वहां को गई है, या यहां को गई है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे पीछे कई सारे शत्रु पड़े हैं, लेकिन जैसे हिरनी पानी के भीतर जाती है, मुझे भी अपने आमेन प्रेजेंस के अंदर लेकर जा, मुझे भी लेके जा। क्यों लेके जा, क्योंकि जो मेरे पीछे आ रहा है उसे ये तो पता है मैं यहां तक आया, लेकिन जैसे ही मैं तेरे उपस्थिति के अंदर घुसा, ओ वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, वो मेरे पास नहीं आ पाएगा, वो मुझे छू नहीं पाएगा, एक बहुत बड़ा अंधकार उसके सामने आ जाएगा। जैसे हिरनी पानी के लिए, वैसा यीशु मैं भी तेरे लिए प्यासा हूं परमेश्वर। ओ री बाबा बाबा शाखा ला रहा हंदले। पिछले हफ्ते हम एक फैमिली के लिए, मैं और मम्मी प्रार्थना करने के लिए, एक शॉप के लिए। तो ये शॉप के प्रॉब्लम क्या है, ये शॉप के अगल बगल के लोग क्या करते पता है, ये जो मसीह शॉप अच्छी तरह ना चले, इनका शॉप अच्छी तरह ना चले, तो ये लोग कुछ जादू टोना करके क्या करते हैं, उस शॉप में बार बार डाल देते हैं, शॉप में क्या करते हैं, बार बार डाल देते हैं। तो है ना, और फिर कई कई लोग एक ग्रुप बन के क्या कर रहे हैं, आई मीन उनका बिजनेस ना चले और वो ना बढ़े, उनको खत्म करने के लिए ग्रुप बना के क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं, ग्रुप बना के कार्य कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने वहां प्रार्थना करके क्या दिया पता है, थोड़ा पानी दिया। क्या दिया, थोड़ा पानी दिया। ये परमेश्वर किसी में भी काम कर सकता है। हालेलुया। अभी ये क्या करेगा आपको पता है, जब ये पानी डलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु जो भी बांधा हुआ है, शत्रु जो भी सामने किया हुआ है, वो एक एक करके सब नाश हो जाएगा। उसको समझ नहीं आएगा इधर क्या हो रहा है, इधर काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके घर में क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके शॉप में क्यों नहीं हो पा रहा है। खुदा ने माहौल बदल दिया है, खुदा ने प्रेजेंस बदल दिया है, खुदा ने बाड़ा बांध दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप आपके घर को भी इसी प्रकार से विश्वास के साथ बांधना शुरू करोगे, आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड, इसी विश्वास के साथ ये पानी भी मेरे लिए काम कर सकता है, मेरा जुबान भी मेरे लिए काम कर सकता है, वो तेल भी मेरे लिए काम कर सकता है। जब आपका विश्वास ऐसा दृढ़ हो जाएगा, कोई भी शैतान वाला 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 शंदला रीगा रदगा रंदे रह गए। समझ आया आपको? आपने क्या किया, अपने घर के बागल में आपने क्या कर दिया, प्रार्थना कर लिया, पानी डाल दिया, प्रार्थना कर लिया। विश्वास से जब आपने प्रार्थना किया, शैतान आपके घर के दरवाजे तक आया, लेकिन उसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा
उसको लग रहा है, लगता है ये गलत घर में आ गए, ये अंदर नहीं घुस पा रहे, इसको छू नहीं पा रहे, इसको कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर ने अपना प्रेजेंस डाल के रखा हुआ है। परमेश्वर कहीं ना कहीं तुझे क्या करके रखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेजेंस के अंदर परमेश्वर ने आपको बांध के रखा हुआ है। मैं खत्म इस प्रकार से करूंगा, बाइबल बताती है अपनी आंखों को मेरी ओर उठा ले, मैंने तेरे लिए क्या किया है, एक दरवाजे को खुला है। कान को उठा ले परमेश्वर की ओर। आज जब आप चाहते हैं आपका विश्वास ऐसा हो जो दरवाजों को भी खोल दे, तो आपके अंदर आमीन एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है, मुझे सिर्फ अपनी नजर उसकी ओर रखनी है, मुझे सिर्फ अपनी ओर रखनी है। एग्जाम्पल दूं आपको, एक एग्जाम्पल दूंगा आपको पूरा समझ आ जाएगा एक एग्जाम्पल में, ठीक है? रोनी धरा एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो ये रोनी है, मतलब मान लो कि वैसे भी रोनी है, ये रोनी है। रोनी को मैंने बोला, रोनी तू परमेश्वर की ओर अपनी नजर को उठा के देख, उठा के देख परमेश्वर की ओर अपनी नजर को। परमेश्वर ऊपर है, परमेश्वर तेरे लिए दरवाजा खोल रहा है, तू नजर उठा के परमेश्वर की ओर देख। देखते रहे रोनी, रोनी तुझे क्या करना है, देखते रहना है। अब देखते रहना है तो देखते ही रहना, तो अब आवाज आएगी, रोनी रोनी तेरा घर शिफ्ट होने वाला है, रोनी 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 तेरा काम टूटने वाला है, रोनी रोनी तेरा 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 बिजनेस खत्म होने वाला है, रोनी तेरे खिलाफ चार लोग खड़े होने वाले हैं, रोनी अरे सुन तो ले, रोनी हेलो रोनी 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 सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तेरा घर बर्बाद होने वाला है, रोनी। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है, दरवाजा खोल के ही देता है, क्योंकि उसका नजर कहां पे टिका है, हमें परमेश्वर की ओर टिका है। कोई और शब्द, कोई और वचन, कोई और दिक्कत, कोई और तंगी, कोई और परेशानी उसे क्या नहीं कर पाएगा, उसे परमेश्वर की ओर से अपने नजर को अलग नहीं कर पाएगा। कुछ भी कर ले नहीं हटाऊंगा। थैंक यू रोनी, हालेलुया। हम क्या करते बता दो, कमर में दर्द हो रहा है, बारिश हो गया, लड़ाई हो रही है, बाद में भी देख लेंगे लाइव उसमें क्या है, बाद में भी देख सकते हैं। हाँ जी बताइए कैसे है, घर में गेस्ट आ गया, आओ जी पकोड़े खाते हैं, बाद में देख लेंगे। अरे कोई मेरी पास्टर रूल तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ तो, हमें जा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा नजर कहां टिका होना चाहिए, अमित स्वर्ग के जिंदा खुदावंद परमेश्वर की ओर क्या रहना चाहिए, तेरा नजर टिका रहना चाहिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अमित परमेश्वर में अपनी नजर को क्या नहीं करूंगा, खुदावंद परमेश्वर में अपनी नजर तुझसे अलग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा दरवाजा मुझे दिख रहा है, आई सी ओपन डोर, मैंने सुन लिया देख लिया परमेश्वर। लास्ट चीज ये, परमेश्वर ने आपके लिए एक, परमेश्वर ने आपको पहला बोला कहां देखो, हेलो कहां देखो, कहां देखो, बोलिए यीशु की ओर। आपने किसकी ओर देखा, सुबह उठ के किसकी ओर देखा, शाम को सोने से पहले किसकी ओर देखा, हर दिन हफ्ते में किसकी ओर देखा। अभी संध्या हो सकता है, मैं एग्जाम्पल है, संध्या को पता है, एग्जाम्पल संध्या ले सकते हैं, संध्या को ही ले सकते हैं, किसको ले, बाकी सब बुरा मान जाओ। अभी संध्या मान लो, संध्या के वहां पे एक भयंकर शादी चल रहा है, क्या चल रहा है, शादी चल रहा है, यहां पे प्रेयर चल रहा है। संध्या को परमेश्वर ने बोला किसकी ओर नजर उठा के रखना है, हेलो किसकी ओर नजर उठा के रखना है, यीशु की ओर।
बेबी शादी भी है, वो भी बुरा मान जाएंगे। इधर तो अपने पास्टर सही है, कुछ भी बहाना मार देंगे। अब वहां से गाने चल रहे हैं। I am a disco dancer, I am a disco dancer। संध्या के अंदर से क्या निकला? Disco dancer, I am a disco dancer। Hallelujah। हालेलुया वाला गाना कौन सा था बच्चे? क्या था? क्या वहा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहा हालेलुया जमघट होवेगा, वहा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहा हालेलुया जमघट होवेगा। मैं चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया। चर्च में गाना ये चल रहा है लेकिन वहां पे क्या है? आई एम ए डिस्को डांसर। यहां पे हालेलुया का दरवाजा खुला है, वहां पे मिथुनदा का दरवाजा वहां पे खुला हुआ है। अभी सोचना है यहां पे परमेश्वर के पास जाए या मिथुन जी के पास जाए। मैं तुझे कहता हूं मिथुन को छोड़ के तू खुदा के पास आएगा तो 100% परमेश्वर तेरे लिए एक रास्ता खोलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आराधना के दिन कोई शादी नहीं है, आराधना का दिन है, मेरे खुदा का दिन है, उसका दिन है, वही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संध्या नाचती नहीं है इसके लिए उसके ऊपर बोल भी सकते हैं, किसी और को उठाता तो पता चले बाद में नाचते हुए मिल भी गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने खुले हुए दरवाजों को बंद मत करना। आमीन। तेरा पड़ोसी कर रहा है करने दे, तेरे अगल बगल का कर रहा है करने दे, तेरा सह विश्वासी कर रहा है करने दे, बगल के चर्च वाला कर रहा है करने दे। तू कह दे खुदा मैं सिर्फ तेरे लिए नाचूंगा, तेरे लिए खड़ा रहूंगा, तेरे लिए ही खड़ा रहूंगा। जब आपका विश्वास इस प्रकार से होगा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, परमेश्वर कहेगा तेरा दरवाजा खुला रहेगा। नहीं समझे? तेरा दरवाजा खुला रहेगा, बंद ही नहीं हो सकता। वहां पे ऐसे ही लिखा है तेरा दरवाजा क्या करेगा? खुला 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 खुला, वो बंद हो ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर लिखा हुआ एक एक भलाई तेरे हाथों के भीतर ना आए, तब तक एक भी बंधन तब तक खुला रहेगा। ओपन अप, बंद ही नहीं हो सकता। जितनी बार जा सकते जाना जा सकता है, जितनी बार दरवाजे के पास जाना जा सकता है, वो बंद ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं तो यहां पे आने से सोचो कितना बढ़िया है। हालेलुया, आमीन। वहां नाच नाच के थक के खाना भी मिस हो जाता है, यहां पे तो खाना भी नहीं है। हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर का वचन है तो जाते जाते कुछ तो अंदर के लिए कुछ मांस वास मिल के जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहां से एक गाना सीख के अगर घर के अंदर गा भी दोगे तो बहुत मजा आएगा, घर का एक परिस्थिति भी क्या करेगा पूरी तरीके से। हमने सुबह एक गाना गाया था ना, इन द मॉर्निंग, हाँ, कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में और अब मेरा विरोधी ठहरेगा। हालेलुया, कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। एक बार बोल सकते हो कि नहीं? कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा।
जरा कहिए कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। देखना जरा, आप कहीं पर भी जाओ ये वाला गाना गा दो, शॉप में भी खड़े होते, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। शायद तू चलते चलते वो वहां पे नींबू बांध रहा होगा, वो वहां पे उसको लगता है नींबू से वो तुझे खत्म करेगा। मुर्गी काट के, मुर्गी हम खाते हैं, तू कितना भी काट ले कुछ नहीं होना, सब पेट में जाता है, तेरा जादू टोना काम नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हो सकता है तू वहां पे वो तेरे लिए मुर्गी काट के क्या कर रहा है, वो चुप चुप के, ये लोग सब रात को ही आ सकते, बोले रात को आएंगे, ये तेरा शैतान जब तू नहीं होगा तभी काम करेगा। डरपोक है, डरपोक, इतना डरपोक है वो रात को ही काम करेगा, डरपोक है बहुत बड़ा वो। तो तू वहां से चलते हुए जाएगा तो है ना, चलते हुए जाएगा तो तू देखेगा वहां पे वो क्या कर रहा है। तू उसे देखेगा तो क्या करना बताए, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा। मैं तो तुझे इतना तक बोल देता हूं, अगर नींबू बढ़िया वाला है तो सुबह जा नींबू ले, वो बगल वाला ही होगा ना, वही तो करेगा, और कौन करेगा। ग्लास के अंदर पानी डाल, मसाला डाल, पी जा, बोला कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। समझ आएगी नहीं आया, आगे कि नहीं आगे। जिसको जो करना है करते रहने दे, तू उसी को उठा, उसी को ले रहे, वो भी तेरे सामने कुछ नहीं करेगा, नथिंग, कुछ भी तुझे बर्बाद नहीं कर सकता है अगर तू मसीह में है, कोई भी चीज तुझे बर्बाद नहीं कर सकता अगर तू मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। तो दरवाजा खुला है, आंख उठाना है, दरवाजा खुला है, परमेश्वर बात करेगा, कान खोल के रखना। क्या करना है, आज आप इधर आए हो तो परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपने नजर उठाया, दरवाजा खुलते हुए देखा, आज खुदा ने वचन के द्वारा आपसे क्या किया है। योहन्ना देख, दरवाजा खोला है मैंने, देख ले मैं तुझसे कुछ बात करने जा रहा हूं, अगला वही लिखा है, मैं तुझसे कुछ बात करने जा रहा हूं, मैं तुझसे बात करने जा रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं तेरे लिए। आमीन। तो इसके लिए मैं तेरे लिए बात करने जा रहा हूं, आज मैं वचन के द्वारा आपसे बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज इस कलीसिया के भीतर आप आए हैं, आपने एक दरवाजा खुलते हुए देखा है, तो मैं आपको कह रहा हूं, वचन आपको कह रहा है कि कुछ अद्भुत काम इस हफ्ते इस महीने खुदा तेरे लिए करने जा रहा है। कुछ चंगाई, कुछ भलाई, कुछ छुटकारे, कुछ ताकतवर अद्भुत काम परमेश्वर क्या है आपके और मेरे लिए इस महीने करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास करें, तो जहां आप कदम रखोगे परमेश्वर वहां वहां रास्ते खोलते चला जाएगा, परमेश्वर अद्भुत काम करते ही चला जाएगा। इस हफ्ते आपके अंदर एक बीमारी है, हाथ लगाइए, तेल लगाइए, यीशु के नाम से डिक्लेयर कीजिए, परमेश्वर चंगाई देगा।
देगा, चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं चल रहा है, घर में दिक्कत है, पानी का बॉटल लीजिए, प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ। आमीन। घूम घूम के प्रार्थना कीजिए। आमीन। अपने घर को यीशु के लहू से बाड़े में बांध दीजिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, शैतान आएगा पर अंदर नहीं घुस पाएगा, नाश नहीं कर पाएगा, आमीन, गिरा नहीं पाएगा। वंडरफुल गॉड। इस विश्वास के साथ, दरवाजा खोलने वाला विश्वास। हालेलुया। थक मत जाना, कमजोर मत पड़ जाना यहां से निकलने के बाद। आमीन। अपने उसी परिस्थिति के अंदर मत जाना। पत्नी कुछ बोलेगी, पति कुछ बोलेगा, बच्चे कुछ चिल्लाएंगे ना, वचन सुन गया हूं। हालेलुया। तू चिल्ला ले, तेरे को जितना चिल्लाना है लड़ना है, लड़ने तो पति और पत्नी वहां पर लड़ते, मां बाप को इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। मां बाप लड़ते तो बच्चों को इंटरफियर करने की जरूरत है, लड़ने दो। हालेलुया। लड़ने दो ना, क्या हो गया उसके अंदर। लड़ने के बाद अरे पति पत्नी है, लास्ट में यही दोनों इनके लिए दिखेंगे, मां बाप यही साथ में रहेंगे। कुछ भी कोशिश करो नहीं सुनने वाले हमारी, तुम्हारी वो एक दूसरे के नहीं सुन रहे, तुम्हारी क्या सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। इधर से जाने के बाद ये वचन बहुत सिंपल तरीके से मैंने बोला आपको, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, माइंड को खराब नहीं होने देना है, परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं है, सिर्फ मुंडी अपना उठा के यीशु मसीह की ओर अपनी नजर को रखना। परमेश्वर दरवाजा खोला है, खोला है, खोला है, खोला है, खोला है, मैं अपना नजर इधर नहीं, ना 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 ना, तू चिल्ला ले ना, मेरे ना 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 को कुछ भी, ए ए नहीं देखूं, आता फिर देखो इस हफ्ते परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। कुछ बढ़िया, कुछ अद्भुत, कुछ पावरफुल परमेश्वर क्या करेगा इस हफ्ते करेगा। 100% परमेश्वर इस हफ्ते करेगा। आपको वचन मान के बहुत साल तक वेट करने का जरूरत नहीं है, इस हफ्ते वेट कर लो। इस हफ्ते के अंदर अंदर आप देखो परमेश्वर आपको एक गवाही आपके हाथों के भीतर, इस हफ्ते 100% परमेश्वर के वचन में ताकत है। आमीन। परमेश्वर इसी हफ्ते आपके लिए एक रास्ता खोलेगा और फिर वो आपको दिखाएगा, काश तू पहले ही मुझे देख लेता, सिखाएगा आपको, काश तू मुझे पहले ही देख लेता, काश तू पहले ये दरवाजा खुला हुआ देख लेता तो तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए कुछ भी हो जाए, अपनी नजर खुले हुए दरवाजे से बिल्कुल भी अलग नहीं रखना। विश्वास करते तो खड़े हो जाइए, मिलके दुआ करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आपको पता है यूहन्ना कहां पे था? पत्मस में था। कहां था? लेकिन एक भी बार पत्मस में रहकर वो परेशान नहीं हुआ। आप जानते हो क्यों? क्योंकि उसे पता था थोड़े दिनों की बात है, मैं हल्लेलुया गाकर कहां पहुंचूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने वाला, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम मसीह लोगों का सबसे बड़ा खासियत क्या है? कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम कभी भी जा सकते हैं। हल्लेलुया। हमारा वीजा लग चुका है। हल्लेलुया। हमारा वीजा लग चुका है, सिर्फ टिकट का वेट कर रहे हैं। जिस दिन तूने बपतिस्मा ले लिया वो तेरा वीजा था, कहां जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए तेरा वीजा लग गया है। प्रेज़ सिर्फ टिकट का वेट कर रहे हैं, मौलो किसी चीज का वेट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कब टिकट आएगा। जैसे कई सारे फ्लाइट होते हैं यूके जाने के लिए, वर्जिन अटलांटिक है, एयर इंडिया है, आई मीन ब्रिटिश एयरवेज है, आई मीन ऐसे कई सारे, एयर फ्रांस है, आई मीन है ना, लुफ्तांजा है, ऐसे किसी ना किसी तरीके से हमें भी ऊपर जाने का एक मौका परमेश्वर हमें दे दे। क्या पता बूढ़े होके मरे, क्या पता जवान होके मरे, क्या पता कट के मरे, पता नहीं कैसे मरे, लेकिन मरेंगे जरूर। हालेलुया। लेकिन खुशी आपके अंदर क्या होना चाहिए पता है? परमेश्वर ने आपको एक वीजा दिया हुआ है। आमीन। और वो वीजा आपको कहां लेके जा रहा है पता है? सीधा सबसे दुनिया के सबसे बेहतर जगह में परमेश्वर ने आपके लिए जगह तैयार करके रखा है। मैं चाहता हूं जब हम यहां से जाएं, ये गीत गा के हम जाएंगे विश्वास के साथ। हालेलुया। विश्वास के साथ गाकर हम जाएंगे, आराधना कर जाएंगे। आमीन। तेरे लिए कुछ अद्भुत रास्ता आज के रात परमेश्वर तैयार कर देकर परमेश्वर यहां से भेजेगा। तो जैसे अब्राहम ने आराधना किया, अपना सब कुछ दिया, वैसे तू भी अपना सब कुछ क्या कर, परमेश्वर को आज सौंप कर चले जा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए अद्भुत काम करेगा। अब मेरे साथ कहना है इस हफ्ते के लिए, हर हफ्ते आपको एक एक गाना देते हैं इस हफ्ते के लिए। वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हल्लेलुया जमघट होवेगा, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हल्लेलुया जमघट होवेगा। हल्लेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हल्लेलुया जमघट होवेगा। अब क्यों ये गाना?
हमने प्रचार के शुरुआत में ये बोला, खुदा ने कहा देख मेरी ओर, देख मेरी ओर, मैंने तेरे लिए क्या खोला है। इस गीत में क्या लिखा पता है? हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा, किसको 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 किसको। तो आपके घर में गाना क्या होना चाहिए? हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। अब परमेश्वर का राज्य आ गया है, आने वाला है, आ गया है। क्या है परमेश्वर का राज्य का मतलब? जिस जगह पर यीशु को आप राजा मानते हैं उस जगह पे परमेश्वर का राज्य आ गया है। सिंपल है, वेयर यू एक्सेप्ट जीसस एज द किंग, दैट प्लेस द किंगडम ऑफ गॉड इज कम। जहां पे आपने यीशु को राजा मान लिया, आपने अपने दिल के अंदर यीशु को राजा मान लिया है, आपने अपने घर के अंदर यीशु को राजा मान लिया है, आपने अपने काम के अंदर यीशु को राजा मान लिया है, तो वहां पे क्या आ गया है? परमेश्वर का राज्य आ गया है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना है, यहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, यहां हल्लेलुया जमघट होवेगा, यहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। कहिए मेरे साथ, यहां यहां हल्लेलुया जमघट होवेगा, हल्लेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां यहां हल्लेलुया जमघट होवेगा। जब आप इसको गाएंगे तो क्या होने वाला है वो और बोल के यहां से भेज रहा हूं। जब आप अपने घर के अंदर सारा लड़ाई सारा परिस्थिति सारा चीज हटाकर आप जब गाएंगे ये वाला गाना विश्वास के साथ, क्या हो गया मैं बताता हूं। शैतान आएगा पूरे जोरों शोरों से तीन चार को साथ में लेके, क्योंकि अकेले में तो भाई साहब कुछ कर नहीं पाते, तो इसके लिए तीन चार अपने चेले को भी लेकर आएगा, दरवाजे तक पहुंचेगा। लेकिन जब दरवाजे पे पहुंचा तो अंदर से आवाज आ रही है, या हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वो बोलेगा चल भाई गलत घर पे आए, चल भाई गलत घर पे आ गए, बगल वाला ढूंढते है, पंडित जी का ढूंढते है, पाटा जी का ढूंढते है, शर्मा जी का ढूंढते है, दूसरे थॉमस का घर देखते है, वो वहां पे दारू पी रहा होगा उसका घर देख लेते हैं, ये वाले पे नहीं हो सकता, या हुल्लड़ हो रहा है, हरामिरा का एक चमकट हो रहा है, या नहीं हो पाएगा, या नहीं हो पाएगा। आमीन। तो क्या विश्वास से दुआ कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो अपने दोनों हाथ पवित्र हाथ प्रेज द लॉर्ड स्वर्ग की ओर, आमीन, विश्वास के साथ उठा के ये विश्वास कीजिए कि खुदा ने आपके लिए कुछ दरवाजे को खोल के रखा है। आमीन। दरवाजा खोलने वाला विश्वास अपने अंदर वो कुंजी के साथ, आमीन, जरा विश्वास के साथ दुआ करिए, मेरे पीछे कहिए यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए कुछ दरवाजों को, एक दरवाजे को खोला है, मैं अपनी नजर उस दरवाजे की ओर खोलता हूं जो तूने खोला है, कोई नहीं बंद करेगा इस महीने। यीशु मसीह, आप एक अद्भुत कार्य मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए करने जा रहे हो, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। इस आशीषों को मैं रिसीव कर लेता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।